डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आप चाहे छोटे हों या बड़े, आपके लिए नंबर सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आता है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो नंबर आता है वो है हमारे पास नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? अब देखिए, आपसे कोई पूछता है कि गिनती सुनाइए, आप क्या बोलते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में कोई पूछता है तो आप बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। संस्कृत में पूछता है तो आप बोलते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह से बोलता है। ठीक है, तो जहां से आप नेचुरली आप गिनती स्टार्ट करते हैं वही आपकी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जहां तक भी आप काउंट कर सकते हैं, 100, 200, 300, 1 lakh, 2 lakh एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपकी ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनसे हम प्राकृतिक रूप से गिनते हैं। उसके बाद है होल नंबर्स, जिन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याएं, और उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? जीरो। क्योंकि जब संख्याएं स्टार्ट हुई तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद दिक्कत आई कि भैया अब इससे आगे क्या होगा, तो 0 आई। 0 ने जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको पूरा कर दिया। तो होल नंबर्स होंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो आपने अभी ऊपर पढ़ी, और उनके साथ 0 ऐड हो जाएगा। तो 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद हमारा थर्ड है इवन नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। वह है सभी संख्याएं जिनमें यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पर क्या आए? 2, 4, 6, 8 या 0 आए। ठीक है, अब यूनिट प्लेस आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तो हम यहां समझेंगे। ठीक है, एक और इसके लिए आप इजी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। वह सारी संख्याएं जो 2 के टेबल में आती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम पहले यही देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, यस आप भी बोल सकते हैं। 12, 14, यस 16, 18, 20 एंड 22, सो ऑन। ठीक है, तो देखिए हमारा जो हमें डेफिनेशन में कहा गया है कि यूनिट प्लेस पे अगर 2, 4, 6, 8 या 0 आए, तो देखिए यहां 2 आ रहा है, ये यूनिट प्लेस होता है ना, यहां 6 आ रहा है, यहां 8 आ रहा है, यहां 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको एक बड़ी सी संख्या दे दी जाएगी। क्या ये सम संख्या है? अब देखिए अगर आपको जो है बेसिक पता नहीं होगा तो आप बोलेंगे यार ये तो डिफिकल्ट है, लेकिन अरे संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो आपको क्या देखना है? सिर्फ यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 है तो ये सम संख्या है। अभी इसमें मान लीजिए एक और 0 लगी, अभी भी सम संख्या है। ठीक है, यहां 4 आ गया तब भी सम संख्या है, 2 आ गया तब भी सम संख्या है, और 8 आ गया तो भी ये सम संख्या है। तो बहुत ही इजी है अगर आप टेक्निक समझ जाएंगे कि आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखना है, अगर 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। उसके बाद नंबर 4 पे है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होता है? विषम संख्याएं। वह सारी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। ठीक है, इकाई का अंक देखना है आपने, यूनिट प्लेस पे देखना है। देखिए थ्री वन फोर सेवन, क्या ये विषम संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 है। अभी भी विषम संख्या है? यस, यूनिट प्लेस पे 9 है। क्या अभी भी विषम संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, जो किसकी पहचान है? इवन नंबर की। तो अगर यहां पे 3 आ जाता है यूनिट प्लेस पे तो क्या होगा? ये संख्या क्या बन गई हमारी? विषम संख्या। तो
आपको देखना क्या है, सिर्फ यूनिट प्लेस। संख्या चाहे 10 अंकों की हो चाहे 8 अंकों की हो, आप सिर्फ यूनिट प्लेस को वैल्यू देंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब जो हम पांचवा नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो देखिए, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, इनको रूट संख्याएं भी कहा जाता है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके जो अपने और एक के सिवा किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं, ठीक है। और दूसरी हम बात बोल सकते हैं कि वो जिनके अपने और एक के सिवा कोई और गुणनखंड नहीं होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7। अब देखिए 9 होगा क्या? नहीं, 9 3 के टेबल में आता है इसलिए 9 नहीं होगा। 11, 11 के बाद है 13, 13 के बाद है 17, 19 होगा, बिल्कुल होगा। ओके, आप भी बता सकते हैं 21, 21 क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया 3 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। अच्छा, 21 के बाद 23, 23 बिल्कुल डेफिनेटली होगा, 23 किसी के टेबल में नहीं आता है। और इसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं तो 25 नहीं होगा, क्यों? 5 के टेबल में भी आता है। और उसके बाद है 27, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। 29 होगा, है ना। तो इस तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम समझ लेते हैं कि देखिए क्या है, दो अपने और एक के सिवा किसी और के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तीन भी अपने और एक के सिवा किसी के टेबल में नहीं आता, ये दो ही गुणनखंड इनके बनेंगे जो भी आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब हम आगे कोई और ले लेते हैं, 19, तो 19 के भी सिर्फ ये ही दो गुणनखंड होंगे। गुणनखंड हम अगले चैप्टर में ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, अभी आप सिर्फ ये मान ले कि वो एक और अपने सिवा किसी और के टेबल में नहीं आता, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आपने साथ में एक होमवर्क भी करना है, क्या है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 25 होंगी। अब आपने वो सभी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब और सिंप्लीफाई कर देता हूं तो 1 से 50 तक होती हैं 15 अभाज्य संख्याएं, और 51 से 100 के बीच में होती हैं 10। तो आप इसको डेफिनेटली करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के हिसाब से बहुत ही, क्योंकि इसके इस टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? संयुक्त संख्याएं, इससे बिल्कुल उल्टा, ठीक है। क्या, जो इसमें तो क्या है, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें है कि जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होगा वो होगा 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10 भी होगा, 12, 14, 15, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड क्या है, अब देखिए 4 को हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 4 4 होता है, 2 × 2 4 होता है, ठीक है, और 4 × 1 4। तो ये अलग अलग इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, मतलब 1 भी है 2 भी है और 4 भी है, ठीक है। ये 3 टेबल्स में आता है, 3 पहाड़ों में आता है। उसी तरह से अगर हम 15 लेते हैं तो 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है। तो ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, जो दो से ज्यादा संख्याओं के टेबल में आते हैं, वो हमारी संयुक्त संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं बहुत आसान है, कोई भी नंबर
p बटा q की फॉर्म में हो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब इसमें एक कंडीशन है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आपके सभी कोई भी संख्या जो इस तरह से लिखी गई होगी वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब कोई भी संख्या जो अंडर रूट की फॉर्म में हो क्या कहलाएगी, अंडर रूट होता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी उनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। और अब है रियल नंबर्स। रियल, ये सभी नंबर्स आप इवन ऑड भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये सभी नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये सभी नंबर्स रियल नंबर्स हैं तो हमें इनको अलग अलग करने की क्या जरूरत पड़ी। तब देखिए, अब आप बोलेंगे कि जीरो क्या है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीरो कौन सा नंबर है, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, या दोनों ही है। तो आप डेफिनेटली बोलेंगे कि क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि हम जीरो को जीरो बटा एक भी लिख सकते हैं तो वो रैशनल हो जाएगा, ठीक है। या कोई भी हमारा नेचुरल नंबर है उसको हम रैशनल भी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे तीन बटा एक किसके बराबर है, तीन के बराबर है। तो सभी जो संख्याएं हैं वो रियल नंबर्स हैं, लेकिन सभी रियल नंबर्स आपके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होंगे, कुछ नेचुरल होंगे, कुछ होल होंगे, कुछ रैशनल होंगे, कुछ इरेशनल होंगे, कुछ इवन होंगे, ऑड होंगे, तो वो आगे उसकी सब डिविजन्स हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। That's all for today. Keep learning, keep growing.